हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ भी है कि आप हमेशा अच्छे। आज मैं आया हूँ कतारा कल्चरल विलेज, कतारा इंटरनेशनल अरबिक हॉर्स फेस्टिवल। एक और फ्राइडे आ गया। हम लोग जाएंगे इस वक्त इंटरनेशनल हॉर्स फेस्टिवल कतारा। ऑलमोस्ट मैंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया चलो मेरे को छोड़ दे कतारा, और फिर अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट कतारा इंटरनेशनल हॉर्स फेस्टिवल, इंटरनेशनल हॉर्स अरबिक फेस्टिवल। लेट्स गो। सब निकलते हैं हम लोग और बैठ चुका हूँ इस वक्त अपने दोस्तों के साथ। से हाय बॉयज, ये मेरा दोस्त है तानिश, पीछे ताजिम, टिंकू को तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, और ये मेरा दोस्त अमजद। So we all are going for Katara International Arabic Horse Festival. Let's see and hope you enjoy. और मैंने कतारा कल्चरल विलेज के लिए इसे सेट कर लिया है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये रूट को फॉलो करते हुए सीधा वहाँ पहुँचेंगे। और मैं गोल्फ कोस्ट की तरफ पहुंच चुका हूं। ऑलमोस्ट अल्कोर का एरिया मैंने छोड़ दिया है। लुसेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रॉस करते हुए और बिल्कुल ही और कुछ ही देर बाकी है मेरा, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। वो साइट पे पहुंच चुका हूं जहां पे हॉर्स का एग्जीबिशंस लगा हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं यहां पे सारे भीड़ है। और इसी भीड़ पे मैं आपको ले चलता हूं वहां पे जहां पे हॉर्स का एग्जीबिशंस हो रहा है, और साथ ही साथ ऑडिटोरियम भी इस साइड पे। ट्रेनिंग चल रही है। फ़ोटोज़ यहाँ पे एग्जीबिशन एज एग्जीबिशन लगाया गया। बहुत ही अच्छा, एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए इसको देखना और इसको एक्सप्लोर करना। क्या देखिए, एक अच्छा सा पेंटिंग, जितने भी सारे पेंटिंग के एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्शंस भी होते हैं। आप जैसे कि आपको कोई पसंद आए पेंटिंग तो आप इसे बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम्स के सारे बारकोड भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ये पेंटिंग पसंद आया, आप इन्हें यहाँ से बारकोड को स्कैन किया और सीधा आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस पेंटिंग को परचेस कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग गैलरी का एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब मैं इसके बाद आगे की ओर चलता। यहाँ पे एक और नया सा चीज़ देखने को मिला। ये है फ्री कंपटीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे सब कोई कंपटीशन पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जैसे कि हॉर्स के सीट्स पे, जिस पे हॉर्स पे हम लोग बैठते हैं सीट्स पे, यहाँ पे एक तरह का कंपटीशन है। और इसमें देखो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, और अपने तरीके से एक आर्ट का एक बना करके भी रखा हुआ, एक आर्ट भी बना के रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे भी बहुत सारे हॉर्सेज हैं, और यहाँ पे एक तरह का कंपटीशन है। इस कंपटीशन पे दो बंदे या फिर दो बंदियाँ या फिर एक बंदा एक बंदियाँ, जैसे भी हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कंपटीशन को जीत भी सकते हैं। पे ये हॉर्स सीट, और भाई साहब जो है वो हॉर्स पे पेंटिंग बनाई है इधर पे हॉर्स सीट पर, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने इनसे पूछा कि क्या है ये, तो इन्होंने मुझे बताया कि डिफरेंट shape of their own beauty and elegance. So we were trying to bring out the white horse, which has different shapes, and you know their face itself has a look. That's what we are trying to bring out here with the festive mood of colors, with a bit of Arabic culture. Thank you sir, thank you. एक्सेसरीज़ आप देख सकते हैं हॉर्स को सजाने के लिए सारे की सारी एक्सेसरीज़ यहाँ पे है। और मुझे तो इतने हॉर्स एक्सेसरीज़ के बारे में मालूम नहीं है, तो लकीली मुझे एक भाई मिल गए हैं जो कि इंडिया से हैं, हमारे केरला से हैं, और वो अब मुझे पूरी की पूरी चीज़ें बताएंगे, एक्सेसरीज़ क्या है कैसा है। और सर प्लीज़ मुझे बताइए इसके बारे में। ये सैडल है, ये सैडल डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सैडल लॉन्ग राइड के लिए, यानी यहाँ पे एंड्योरेंस बॉल के एक राइड होता है जिसका 160 किलोमीटर, जिसमें 20 किलोमीटर लूप का एक लूप होता है, वैसा 160 किलोमीटर का एक दिन का होता है, तो उसमें ये स्पेशली यूज़ कर सकता है ये वाला। और दूसरा ये सैडल है, इसको बोलते हैं इंग्लिश सैडल। ये जो है ये नॉर्मली राइडिंग सीखने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कोई भी जंपिंग हो और ड्रेसाज हो, ऐसा कॉम्पिटिशन राइडिंग, वो भी ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे ये सब आते हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं सैडल पैड, और इसको बोलते हैं गर, जो घोड़े के बेली के ऊपर आता है, पेट के ऊपर आता है, जिसको सैडल को बांधने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, जैसे लॉन्ग वन होता है, शॉर्ट वन होता है, डिपेंड्स होता है कौन सा राइडिंग। और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है आप मेरे को, और भी अगर प्रोडक्ट्स हो, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या भी सामने है, तो आपको ऑलवेज ए प्रॉब्लम होता है राइडर्स के काफ के साइज़ में, वो फिट नहीं होता है, तो बहुत सारे राइडर्स कस्टमाइज़ करते हैं जो बूट का, उनका पाँव का मेजरमेंट लेके फिर बेच के उसके हिसाब से बना के फिर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बूट है ये 85 to 90% पैर को आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज़ किया है ऊपर की तरफ, और नीचे वाटरप्रूफ मटेरियल है। तो ये FIA अप्रूव्ड है और कंपटीशन के लिए पहन सकते हैं। ये पहली बार इन लोग ने इनोवेटिवली इंट्रोड्यूस किया, ये पेटेंटेड मटीरियल है। और ये बोलेंगे तो ये कार्बन फाइबर है, ये हेलमेट में ये जो है प्रीमियम कलेक्शन हम बोलते हैं, जिसमें हम नॉर्मली ये हेलमेट देते हैं जंपिंग कंपटीशन के लिए, तो एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ये तो 7,600 आता है रियाल, और या 7,600 मीन्स ऑलमोस्ट 1,50,000 क्रॉस वही है। और आप अच्छी तरह ये देख सकते हैं, ये हेलमेट एक तो लेडीज़ मॉडल है जिसमें मेंस मॉडल भी आते हैं, ये इटालियन मेड है। और उसी तरह ग्लव्स तो बहुत स्पेशल होते हैं, जिसमें डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट ग्लव्स यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए। ये जो है ये कंपटीशन पर्पस के लिए आए हैं, और ये फुल्ली लेदर है, और ये जंपिंग कंपटीशन के लिए यूज़ करते हैं। ये लेदर सेक्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें ये जो ब्राइडल है ये स्पेशली फॉर शो हॉर्स के लिए होते हैं, जो घोड़ा ब्यूटी हॉर्स कॉम्पिटिशन है उसमें ट्रेनिंग पर्पस के लिए देते हैं, ये उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो है ये राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये जो ब्राइडल है राइडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये एक कॉमन है, कोई भी घोड़े को राइडिंग करना है ये चाहिए आपको, ये कॉमन आता है। तो इसको बोलते हैं विप्स, ये यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए और राइडिंग पर्पस के लिए। ये स्पेशली फॉर शो हॉर्स को ट्रेन करने के लिए और कंपटीशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे घोड़े को ठीक से खड़ा होने के लिए और जस्टिस प्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, जिसका अलग सा साइजेस होता है, डिपेंड होता है कौन बेसिकली इसके अंदर होता है क्या है सर। फाइबर ग्लास होता है, उसके ऊपर ये नाइलॉन की ये टाई करके ब्राइट करके रखता है, और हैंडल कभी कभार रबर ग्रिप होता है और या PU ग्रिप रखता है। ऐसा ये जो सारी कंडीशनर हम तो यूज़ करते हैं, अभी घोड़ों को भी कंडीशनर्स होते हैं यहाँ पे, और शैम्पूज़ होते हैं, तो बताइए भाई थोड़ा सा ये इसके बारे में बोलेंगे। तो ये स्किन केयर है, स्किन केयर के लिए घोड़े के कोट्स के हिसाब से, यानी कि घोड़े का स्किन का कलर कौन सा है, जैसे ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है, तो उसके हिसाब से शैम्पू है हमारे पास। ये स्वीडन का कि जो घोड़े का कलर अगर ब्लैक होगा या वाइट होगा या ब्राउन होगा, तो उस हिसाब से ही मतलब कि हम यूज करते हैं स्पेशल, क्योंकि ये इसलिए स्पेशल देते हैं कि शो हॉर्स के घोड़े आपने देखे होंगे वहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो शो हॉर्स के घोड़े का वो लुक ही एलिगेंट होता है, वो स्किन टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट होता है, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो उन टाइप के घोड़ों के लिए ये सब यूज़ करते हैं। जैसे वाइट घोड़ा होगा तो वाइट ही यूज़ करता है। ये एक अलग सा है जिसको हमारे घोड़े के स्किन को शाइनिंग देता है, यानी कि ग्लो करता है, तो ये उसके लिए देते हैं। और बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें घोड़े को घोड़े का मेन एंड टेल, जैसे हमारे बाल होते हैं उसी तरह घोड़े का बाल भी सिल्की स्मूथ, जैसे शैम्पू लगा के कंडीशनर लगा के सिल्की स्मूथ बनाता है, उसी तरह बनाने का चीज़ भी है इसमें, वो भी है इसमें। तो भाई ने बताया, मैं बस पूछना चाहूँगा भाई, आपने मुझे सब चीज़ बताया, इसके लिए बहुत थैंक्स है। और दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस कितना हुआ इस हॉर्स राइडिंग के? इस फील्ड में मैं लगभग 15 साल काम कर रहा हूँ। मैं इससे पहले यूएई में था और अभी फ़िलहाल अभी 1 साल ही हुआ हूँ कतर में। ये हमने कंपनी शुरू की है, तो यहाँ पर तो मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे ब्लॉग में बहुत हेल्प किया है, मुझे पता भी नहीं था कि कौन से चीज़ों को क्या बोलते हैं, भाई ने मुझे सब बताया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत सा अमेजिंग प्राइजेज़ है यहाँ पे, जैसे एग्जीबिशन पे अगर कोई घोड़ा जीतता है तो उसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ जैसे भी क्राइटेरिया रहेगी, उस अकॉर्डिंग टू उसके बहुत सारी बहुत लग्जूरियस कार एज अ गिफ्ट यहाँ पे मिलेगा उनको। तो ये था मेरा कतारा कल्चरल विलेज का सफर। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले जगह। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो माय इंस्टाग्राम। आई एम योर अकिसोनिक। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the